हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जिसकी जॉब की लोकेशन वेस्ट बंगाल में रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट की तो इसमें आपके अप्लीकेशन को सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट 10 दिसंबर 2020 की है एंड अप्लिकेशन की क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2020 की रखी गई है इसका एडमिट कार्ड 11 जनवरी 2021 में डाउनलोड होने लगेगा एड इसका एग्जाम का टाइम डेट 24 जनवरी 2021 रखी गई है एंड 25 जनवरी 2021 की रखी गई है दोस्तों इसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन के की डेट सत सात फरवरी 2021 की रखी गई है इंटरव्यू का डेट 19 15 उन्नीस फरवरी 2021 की रखी गई है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके पोस्ट की डिटेल की कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है एंड कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें भर्ती दी गई है तो दोस्तों इसमें सात पोस्ट के लिए भर्ती आई है जिसमें से पहली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर जिसके लिए सैलरी पैकेज छप्पन हज़ार का रखा गया है दोस्तों और इसके लिए पांच वैकेंसीज दी गई हैं जिसमें से यूआर के लिए एक एसटी के लिए एक एससी के लिए एक ओबीसी ए के लिए एक एन ओ बी बी के लिए एक वैकेंसी दी गई है दोस्तों इसमें जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए पैंतीस हजार आठ सौ की सैलरी पैकेज रखा गया है इसके लिए बारह वैकेंसीज दी गई हैं दोस्तों इस इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए जिस बत्तीस हज़ार सौ रुपये की सैलरी पैकेज रखा गया है एंड इसमें टोटल तीन पोस्ट आई हुई है एस के लिए एक एस के लिए एक एंड यू के लिए एक इसमें सीनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए नौ पांच पोस्ट आई हुई हैं जिसमें सैलरी पैकेज अट्ठाईस हज़ार नौ सौ रुपये का रखा गया है दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क जिसके लिए सैलरी पैकेज बाईस हज़ार सात सौ का रखा गया है और इसके लिए तीन वैकेंसीज दी गई है एस के लिए एक है यू के लिए एक एंड यू आर के लिए एक दोस्तों इसमें अगली वैकेंसी है लेबोरेटरी ट्रे असिस्टेंट की जिसके लिए बाईस हज़ार सात सौ की सैलरी पैकेज रखा गया है और इसमें टोटल सात वैकेंसीज दी गई हैं दोस्तों इसमें लास्ट पोस्ट है जूनियर इन्वामेंटल असिस्टेंट की जिसके लिए बाईस हज़ार सात सौ की सैलरी पैकेज रखा गया है दोस्तों और इसमें तेरह वैकेंसीज दी गई हैं इसमें टोटल अड़तालीस वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों बात करते हैं इसमें एलिजल टी की या सिटीज़न की जिस इसमें ए सिटीज़न ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कोई भी अदर कंट्री का कैंडिडेट इस फॉर्म के सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की कि इस वैकेंसी में कितनी एज लिमिट ली गई है तो इसमें मिनिमम अठारह साल एंड मैक्सिमम सैंतीस साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है दोस्तों इसमें रिलेक्स एवेलेस भी रखी गई है जिसमें एसटी के लिए पाँच साल की है एंड ओबीसी के लिए तीन साल की रिलेक्स एवेलेस रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की तो इसमें असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री सिविल मैकेनिकल इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमोबाइल और, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथ में ही उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए इसमें जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सिविल मैकेनिकल इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमोबाइल और पब्लिक हेल्थ के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ कंप्यूटर नॉलेज के साथ दोस्तों इसमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस जोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री माइक्रोबलॉजी फ़िज़िक्स एंड बायो के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथ में दो साल का एक्सपीरियंस एनी लेबोरेटरी ऑफ गवर्नमेंट्स का एंड साथ में इसमें कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों इसमें अगले पोस्ट सीनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फॉर एनी रिकॉर्गनाइज यूनिवर्सिटी विथ फाइव फाइव ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क के साथ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों इसमें अगले पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क के लिए पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पास इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के कैंडिडेट जिन्होंने मिनिमम दो साल का इसके एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क का होना चाहिए दोस्तों इसमें जूनियर इन्वामेंटल असिस्टेंट के लिए पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कैंडिडेट विथ कंप्यूटर नॉलेज के साथ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की तो इनका एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता सिलीगुड़ी दुर्गापुर एंड खारगपुर में रखा गया है दोस्तों इसमें अप्लीकेशन फी मिनिमम तीन सौ तीन सौ रुपये की ली जा रही है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आप इसके फॉर्म को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग